नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। किसी ने सच ही कहा है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में हाजिर होकर लोगों की शिकायत सुनते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जनता दरबार भी आज कुव्यवस्था की भेंट चढ़ गया है। कहने को जनता दरबार का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, पर यह सिर्फ दिखावे भर है। लाइव प्रसारण तो किया जा रहा है लेकिन बिना आवाज के। आपको बता दें, लाइव प्रसारण का ऑडियो ही गायब कर दिया गया है। ना मिलेगी आवाज और ना खुलेगी जनता दरबार की पोल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जनता दरबार लगा, जिसमें उन्होंने फरियादियों की शिकायत सुनी। बता दें, सितंबर महीने का यह दूसरा जनता दरबार है। आज समाज कल्याण, शिक्षा समेत अन्य विभागों की समस्या को लेकर फरियादी सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री समस्या सुनकर अधिकारियों को फोन कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ऐसी कि बिना आवाज के ही मुख्यमंत्री का दरबार लाइव किया जा रहा है। कभी कभी आवाज सुनाई पड़ती है, फिर म्यूट कर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जब फोन से अधिकारियों को निर्देश देते हैं, उस वक्त तो आवाज को पूरी तरह से बंद कर दिया जा रहा है। अब ये सरकार के निर्देश की बात हो या निचले स्तर की लापरवाही है, यह तो मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब जनता दरबार सिर्फ दिखावे का रह गया है। दरबार और अधिकारियों की बार बार पोल खुल रही थी, लिहाजा लाइव ऑडियो ही बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बिहार सरकार की लगातार लापरवाही नजर आ रही है। एकमात्र जो बिहारियों को उम्मीद थी जनता दरबार से, अब वो जनता दरबार भी जो है कुव्यवस्था की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।